अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 9.4 के पहले 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज उससे ऑनवर्ड हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं वाइट बोर्ड पर कि उनको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ओवर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और होल का स्केयर है। हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। ये हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस हमारे पास है कॉट थीटा होल का स्केयर है। हम इसका स्केयर ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा है। कोसिकेंट दरअसल साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर में साइन स्केयर थीटा प्लस कॉट है तो आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर में साइन स्केयर थीटा प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा 1 ओवर में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 1 ओवर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर में साइन स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा ओवर में साइन स्केयर थीटा है। हम साइन स्केयर थीटा एलसीएम में लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें, ये हमारे पास होल का स्केयर बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर। हम इसको लिखेंगे ओवर में साइन स्केयर थीटा, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, वहाँ से हमने साइन स्केयर की वैल्यू फाइंड की तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिक्वायर्ड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेनजेंट थीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू है 1 माइनस साइन थीटा ओवर में है 1 प्लस साइन थीटा। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा होल का स्केयर। सीकेंट को लिखेंगे 1 ओवर में कॉस थीटा, टेंजेंट को लिखेंगे साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा होल का स्केयर आ जाएगा। हम यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम में लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा होल का स्केयर आ जाएगा। अब हम न्यूमिनेटर का स्केयर और डिनोमिनेटर का स्केयर सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर ओवर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। अब अगले स्टेप में हम कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर ओवर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक 1 माइनस साइन थीटा न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिखा हुआ है 2 टेंजेंट थीटा ओवर में 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू हमारे पास कॉस थीटा है। अगले स्टेप में देखें, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि हमारे पास है 2 टेन थीटा और ओवर में हमारे पास है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा है। हम न्यूमिनेटर में जो टेन थीटा उसको लिखेंगे 2 साइन ओवर कॉस थीटा प्लस 1 प्लस लिखेंगे साइन स्केयर थीटा ओवर में कॉस स्केयर थीटा। हम डिनोमिनेटर में कॉस स्केयर थीटा एलसीएम में लेते हैं तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्केयर थीटा ओवर में आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। एक कॉस थीटा इस कॉस स्केयर के साथ कैंसिल तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा और प्लस हमारे पास आएगा कॉस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 के बराबर होते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, वो हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस हमारे पास है कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको ओपन कैसे करेंगे, जैसे हम a माइनस बी होल का क्यूब ओपन करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस हमारे पास b का स्केयर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये साइन स्केयर थीटा जो लास्ट पर कॉस स्केयर था मैंने उसको यहाँ पर लिखा तो ये कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें तो ये साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और ये रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो हमारे पास है साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू वन माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा है। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्केयर का क्यूब माइनस कॉस स्केयर का क्यूब, और इस क्यूब को ऐसे ही ओपन करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको ओपन किया था। वो हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा और माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू आ जाएगा साइन स्केयर का स्केयर आना जो कि साइन की पावर फोर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये साइन की पावर फोर थीटा आ जाएगी, ये जो लास्ट वाले कॉस फोर थीटा है उसको हम पहले लिखेंगे, प्लस कॉस की पावर फोर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, इसको हम नाम देंगे। उसके बाद हम यहाँ से ना साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वन का स्केयर, क्योंकि ये वैल्यू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा वन के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा प्लस टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, ये हमारे पास आ जाएगा साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब ये साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा एज इट इज आ जाएगा। बाकी साइन की पावर फोर थीटा और प्लस कॉस की पावर फोर थीटा की वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, और हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू आ जाएगा वन, ये माइनस के टू है या प्लस का वन है, बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा, और ये रिक्वायर्ड हमारे पास राइट हैंड साइड है। जी बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।